क्या करूं? डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, नहीं नहीं कहीं उसने घर पे बता दिया तो, ओह माय गॉड। लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो। मिस मलिक। अरे आकाश जी आइए। कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। मिस मलिक एक मिनट, आप मुझे मुस्कान बुला सकते हैं। मुस्कान? थैंक्स, थैंक यू सो मच मुस्कान। ये आपके लिए, ना मत कीजिएगा। थैंक यू। ये एक ऐसी लड़की के लिए है जिसमें कमाल की हिम्मत है, जो सारे हालात अपने खिलाफ होने के बावजूद एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक सफल इंसान बनकर यहाँ खड़ी है। मुस्कान आपने अपनी सारी जिंदगी की मायूसियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत बनाया। और बस बस आकाश जी, क्या मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ? क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाकर इज्जत देंगी? ऑफ कोर्स। वेल देन, पीस नो वॉर, सीज फायर। ये फ्रेंड्स ना? यस भैया। अरे अक्षय आओ ना। हाय। हेलो मिस्टर अक्षय। हाय। मैं आकाश। आपको याद होगा हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स। भाई हमने आपके इस टैलेंटेड पार्टनर को अपनी फ्रेंड बना लिया है। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा मुस्कान मैं चलता हूँ फिर। ओके ओके मिस्टर अक्षत, नाइस मीटिंग यू अगेन। सेम हियर। थैंक्स फॉर द चॉकलेट्स। यू आर वेलकम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मुझे लगता है हमारे बीच टेलीपैथी काम करने लग गई है। क्या हुआ, पूछोगे नहीं मैं क्यों फोन करने वाली थी? हाँ क्यों? तुम्हें इनवाइट करने के लिए। हाँ मैंने सोचा तुम तो मुझे इतनी बार डिनर के लिए इनवाइट कर चुके हो, तो इस बार मैं ही तुम्हें इनवाइट कर लूं। Why any special reasons? I mean to say, कोई खास खुशी का मौका है? क्यों? क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बिना रीजन के इनवाइट नहीं कर सकता? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ अक्षत तुम्हें आना ही पड़ेगा। You have to accept my invitation. Okay okay, I'll come. I'm very honored, Mr. Akshat Malhotra. Thank you. जी कहिए। डॉक्टर, डॉक्टर वो क्या है ना कि मुझे थोड़े दिनों से वो बुखार है। बुखार तो अब आपको बिल्कुल भी नहीं है। आने से पहले था डॉक्टर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत वीकनेस फील होती है। टेम्परेचर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, मैं आपको 2 दिन की दवाई देती हूँ। थैंक यू। बताऊं मैं, लगता है राज को भी बताना पड़ेगा। हाँ। मैंने आपसे कहा ना कि जो कुछ भी होगा आमने सामने बैठकर होगा। राज? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाय ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I'm so happy. राज। पहले मैं बोलूंगा। You have no idea कि तुम्हारे पोर्टफोलियो ने सारी एजेंसीज में एक तहलका मचा दिया। Guys are going nuts over your pictures, यार।
मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, आई हैड नो आइडिया। अभी तुम्हें एक ऐसा प्रेस्टीजियस मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है कि अगर वो तुम कर लो तो तुम एक वीक के अंदर नंबर वन मॉडल हो जाओगी। आई मीन तुम्हारे सपने सब कुछ पूरा हो जाएगा। पूजा क्या बात है, टेल मी व्हाट्स द मैटर, तुम मेरी बातों से खुश नहीं हो? खुशी तो होनी चाहिए थी, पर राज मुझे लगता है कि राज आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट डू यू मीन बाय आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट? आर यू श्योर? राज सारे सिम्टम्स तो वही है। सिम्टम्स? व्हाट सिम्टम्स? तुमने टेस्ट करवाया? नहीं। पूछा पहले डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करवाओ, तब मालूम पड़ेगा ना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर कंफर्म हो गया तो पूछा तब की तब देखी जाएगी। जो बात हुई नहीं उसके लिए परेशान होने से क्या फायदा? पूछा मैं हूं ना, हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? राज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी भूख प्यास नींद सब मिट गई है। तुम घबराई हुई से अच्छी नहीं लगती है। एक काम करते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। भाई जो कुछ भी होगा हम साथ में फेस कर लेंगे। पूजा हाँ विद यू ओके? नाइस स्माइल, ए दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, डोंट वरी पूजा, मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। राज? हाँ? पूजा डोंट वरी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तुम साथ हो तो? ऑफ कोर्स पूजा, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा ये बताओ कि रिपोर्ट कब मिलेगी तुम्हारी? लैब असिस्टेंट ने कहा है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाएगी। इनकी रिपोर्ट कब मिलेगी? मंडे को। देखिए अगर रिपोर्ट आज मिल जाती तो बहुत बेहतर हो। जी आज सैटरडे है, आप प्लीज मंडे को आइए। थैंक यू। अरे चॉकलेट्स, पूजा की तबीयत आज वैसे ही ठीक नहीं, खाना नहीं खा रही, चॉकलेट्स देखेगी तो बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों लाई बेटा? माँ मैंने नहीं खरीदे, ये वो आकाश जी ने दिए हैं। आकाश ने? हाँ माँ, एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। वो तेरा दोस्त कब से बन गया? वो जब से मैं उनके साथ डिनर पर। डिनर पे? तू कब गई थी? वो माँ वो उस दिन क्लाइंट के साथ में। मतलब वो क्लाइंट आकाश था? जी माँ। तूने मुझे बताया कि? I'm very sorry. उस वक्त मैंने ये बात छुपाई क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो जाती ना। पर तू गई ही क्यों थी? माँ क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, और फिर पापा ने भी तो मुझे यही रियलाइज करवाया कि उनके जाने के बाद ही मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ। और माँ फिर बारात आने और लौटने के पीछे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी ना। पर हमने तो उससे कुछ नहीं छुपाया था ना। माँ जरा ठंडे दिमाग से सोचो, माँ वो तमाशा बनने या तमाशा दिखाने तो नहीं आए होंगे ना। बारात का आना और फिर वापस चले जाना, मुझे बदनाम करने या मुझे नीचा दिखाने के लिए तो नहीं किया होगा ना ये सब। सवालिया नजरें अगर हम पर उठी थी तो 10 सवाल लोगों ने उनसे भी तो पूछे होंगे माँ। ठीक है, इसमें हमारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है माँ, पर माँ दूसरों की गलती को माफ कर देना भी तो इंसानियत है ना। तू भगवान है, तू माफ कर सकती है, लेकिन मैं इंसान हूँ और वो भी माँ। मैं कैसे भूल जाऊं उसने जो मेरी बेटी के साथ किया वो। माँ उन्होंने जो किया उसे मैं अपनी किस्मत नहीं भगवान की मर्जी मान चुकी हूँ। माँ तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार है ये तो। हाँ बेटा, संस्कार तो मैंने ही दिए, लेकिन इतनी हिम्मत
इतनी शक्ति कहाँ से? ये शक्ति भी तुम्हारे ही प्यार ने दी है मुझे। माँ जब मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ तो तुम अपना दिल बढ़ा करके उन्हें क्यों नहीं माफ करती थी? करके तो देखो माँ, यकीन मानो बहुत हल्का महसूस करोगी। हाय मुस्कान। हाय मुस्कान, मुझे अभी तक तुम्हारे इस स्पेशल इनविटेशन का मतलब समझ में नहीं आया। क्या हर बात को समझाना जरूरी होता है? बस मेरा मन किया कि मैं मुस्कान, ये सब क्या है? Many many happy returns, Akshay. Thanks a lot. मुस्कान, तुमने ये सब मेरे लिए किया? अच्छा चलो अब केक काटो। I don't believe it. एक मिनट रुको रुको रुको। Thank you very much, Muskan. You are most welcome. I still don't believe it कि तुमने मेरा बर्थडे याद रखा। मैंने सोचा कि अक्षत मल्होत्रा तो अपने लिए वक्त निकालेंगे नहीं, so let me only do something. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट है। प्रेजेंट? प्रेजेंट तो मैंने दिया ही नहीं। मुस्कान, शायद तुम नहीं जानती, ये तुम्हारी दोस्ती, ये तुम्हारा कैरिंग एटीट्यूड, ये तुम्हारा कंसर्न, ये सब मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। हेलो 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 आंटी, मैं मीनल बोल रही हूँ उनसे। मीनल, मीनल बेटा कैसी हो तुम, कहाँ हो? हमें बहुत फिक्र हो रही थी, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं बेटा, सब ठीक तो? मीनल, मीनल क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम क्यों रो रही हो? मीनल कुछ बताओ बेटा। आंटी, मम्मी डैडी। क्या हुआ मम्मी पापा को बताओ बेटा। हेलो, शारदा जी, मैं मिसेस भट्ट बोल रही हूँ। आप जी? मैं भुज में ही रहती हूँ, मीनल के घर से थोड़ी सी दूर जी। जब से ये हादसा हुआ है तब से मीनल मेरे पास ही है। वो इतना रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? मीनल के साथ तो कुछ भी ठीक नहीं है। उसके मम्मी पापा की लाशें तो 4-5 दिन के बाद मलने से निकली। बिल्कुल अकेली हो गई बेचारी। बस यही सोचकर तो मैं मीनल को अपने पास ले आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मीनल को ऐसे वक्त में संभाला। मैं चाह रही थी कि मीनल मेरे पास आ जाए, मेरा मतलब ऐसे वक्त में वो वहां से दूर रहेगी तो उसका मन थोड़ा बदलेगा। आप कहे तो मैं आ जाती हूँ उसे लेने। नहीं नहीं, हमारी कुछ पहचान के लोग मुंबई आ रहे हैं, मैं मीनल को उनके साथ भेज दूंगी, आप उसको स्टेशन से पिकअप कर लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम मीनल को फोन देंगे। हाँ जी, अब लीजिए। लो मीनल बेटा, बात करो। बस चुप जी। मीनल बेटा बस तुम आ जाओ यहाँ, विपुल भी बार बार फोन करके तुम्हारे बारे में पूछता है, सुन रही हो ना? बस बेटा तुम कोई फिक्र मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, ठीक है? जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते।
हेलो हेलो, मैं शारदा मलिक बोल रही हूँ। मिसेस देसाई हैं? नमस्ते शारदा जी, मैं मिसेस देसाई ही बोल रही हूँ, कहिए। आप लोग कहाँ लगा है इतने दिन, कितना कांटेक्ट कर रही थी मैं आपको। पर आपको तो विपुल ने फोन किया था। हाँ, लेकिन उस वक्त कोई खबर नहीं आई थी मिनल की, अभी अभी उसका फोन आया था। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मिसेस देसाई, कुछ भी ठीक नहीं है। बेचारी का घर बार माँ बाप सब खत्म हो गया। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? अकेली रह गई है बेचारी। आपकी अमानत की तो जैसे भगवान ने खुद हिफाजत की हो। आपके घर की बहू जो बनना है उसे, सच में आप लोगों का प्यार पाके वो अपने सारे गम भूल जाएगी, है ना मिसेस देसाई? हाँ हाँ शारदा बहन, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप आकर हमसे मिल सकती हैं? मिनल आ रही है ना? जी हाँ, मैंने उसे यही बुला दिया है, बस उसके साथ ही मिलने आती हूँ आपको। नहीं, हम उसके आने से पहले ही आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है, आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जय श्री कृष्ण शारदा बहन। जय श्री कृष्ण। ये बताइए आप क्या लेंगी, चाय या? नहीं जी थैंक यू, मैं अभी घर से खाना खा के निकली हूँ। आपको कोई जरूरी काम था मुझसे? जी हाँ, वो तुम कहो ना। देखिए ना कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही हुई है। हाँ, मिनल भी उस दिन फोन पे इतना रो रही थी कि बात ही नहीं कर पा रही थी बेचारी। भगवान के आगे किसका चलता है। अब देखिए ना, हमने भी अपने बेटे की शादी को लेके क्या क्या सपने देखे थे। थे? आपके सपने तो अब भी पूरे हो सकते हैं, भगवान ने आपकी बहू को बचा लिया है। हाँ मगर माँ बाप भाई बहन वो सब तो मर गए ना, अब कौन बचा है उसका जो रीति रिवाजों को निभाएगा। ये आप कैसी बातें ले बैठे? शादियां कोई ऐसी थोड़ी हो जाती हैं, लेन देन दहेज वगैरह, और उसका तो ना कोई आगे रहा ना पीछे। आप इस शादी से इनकार तो नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि अब उसके माँ बाप नहीं रहे जो दहेज से आपका घर भर सके? नहीं नहीं ऐसा मत करिए, उस बेसहारा को इस वक्त सिर्फ आप ही का सहारा है मिसेस देसाई। शारदा बहन, शादी तो उम्र भर का रिश्ता होता है, अब हम इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों रुक्मणी? भाई साहब, इस वक्त हमें लोगों का दुख बांटना चाहिए, आज थोड़ी बहुत दया भावना तो हर किसी के दिल। देखिए शारदा बहन, दया भावना हमारे दिल में भी है, रिलीफ फंड में दान हमने भी दिया है। अब क्या अपना बेटा ही दान में दे दे? कैसे पत्थर दिलों के बात कर रहे हैं आप लोग, हजारों ने अपनी जाने खो दी है, किसी ने अपना बच्चा खो दिया तो किसी ने माँ बाप, किसी ने अपना भाई खो दिया तो किसी ने पति, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी आत्मा ही खो दी है। लोग तो अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की सोच रहे हैं, पूरे पूरे गांव को बसाने का बीड़ा उठा रहे हैं, और एक आप है कि किसी का घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हैं। मिनल के माँ बाप ने भी बड़े प्यार से अपनी बेटी की दहेज के लिए एक एक चीज बटोरी होगी, पर वो सपने भी लाश बन के तप गए उनके साथ। मत करिए आप अपने बेटे की शादी मिनल से, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, उसका घर बसाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उसके माँ बाप मर गए तो क्या, हम तो अभी जिंदा हैं। अगर आप लोग इतने ही तंग दिल हैं तो जाइए भुज की गाड़ी में बैठिए, वहां मलबों के नीचे दबे बहुत से दहेज मिलेंगे आपको, बटोर लाइए। शर्म आती है आप जैसे इंसानों पर। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बहुत बहुत मुबारक हो, रिजल्ट इज पॉजिटिव।